नमस्कार मित्रांनो, तर आज आपण बोलणार आहे पॉलिटिक्सबद्दल. ही पॉलिटिक्स जे बिग बॉसच्या घरात आपल्याला कालचा दिवस दिसले. सो नॉर्मली ये टाइप की पॉलिटिक्स लड़कियां करती है कि किसी को कॉर्नरिंग कर देना या किसी को साइडलाइन कर देना, बट ये पॉलिटिक्स हमें बिग बॉस के घर में देखने को मिली कल, और वो भी लड़कों के दिमाग से. तो कल शुरुआत में हमें देखने को मिला कि जय दुधाने और उत्कर्ष शिंदे ये दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे थे सारे हाउसमेट्स के बारे में, और तभी विशाल निकम की बात निकली और उन्होंने ये प्लान किया कि विशाल निकम इज़ लाइक अ जोकर, कि वो जोकर के जैसे है और हमें उन पर उनको साइडलाइन करना है. वो इमोशनली थोड़ा वीक है तो हमें उनको भाव नहीं देना है ताकि वो डिप्रेशन में आ जाए. तो ये पर्टिकुलर कल वर्ड यूज़ किया गया था डिप्रेशन, जो कि यूज़ नहीं करना चाहिए था, बट ये प्लान किया गया है विशाल निकम के अगेंस्ट. और ये प्लान सिर्फ इन दोनों ने नहीं किया, बाद में बाकी के लोगों को भी बताया, यानी कि गायत्री से भी उनकी बात हुई और मीरा से भी बात हुई. तो ये लोगों का मिलजुल कर एक प्लान है कि विशाल निकम को साइडलाइन किया जाए या टारगेट किया जाए. बट आई थिंक सो दे आर फॉरगेटिंग कि बिग बॉस के घर में ऑडियंस जो है वो सब कुछ देखती है, और नॉर्मली जो भी टारगेट होता है, फिर चाहे वो सीज़न 8 में गौतम गुलाटी हो या सीज़न 14 में राहुल वैद्य हो, कोई भी जो टारगेट होता है उसको ऑडियंस का सपोर्ट ज़्यादा मिलता है. सो ये बात अगर उन्होंने माइंड में से उनकी निकाल दी है तो उनकी गलत फहमी है, क्योंकि नॉर्मली ऑडियंस जो है वो ग्रुप के साथ नहीं चलती, वो ये देखती है कि कौन इंडिविजुअली खेल रहा है, कौन इंडिविजुअली अपना बेस्ट दे रहा है. तो ऐसे करके वो लोग कहीं ना कहीं विशाल निकम का ही फ़ायदा कर रहे हैं. अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि विशाल निकम जो है वो ऐसी सिचुएशन को कैसे डील कर पाएंगे और ऐसे टारगेट से कैसे बच पाएंगे. खैर, जो होना है वो तो बिग बॉस के घर में होना ही है, बट आप ज़रूर देखते रहिएगा बिग बॉस मराठी सीज़न 3 और मेरे वीडियोज़ भी, और अपना ओपिनियन ज़रूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है जय की ये स्ट्रेटेजी के बारे में.